नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं डाबर के ग्लाइकोडेप टैबलेट के बारे में। हम इसके प्राइस के बारे में, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, इसके यूजेज के बारे में और इसके साइड इफेक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम जानेंगे डाबर के ग्लाइकोडेप टैबलेट के बारे में, हम इसके यूजेज के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में और प्राइस के बारे में जानेंगे। हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में प्राप्त करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कितने रुपए में हमें मिलती है मार्केट में। तो दोस्तों यह 312 रुपए में हमें मिल जाती है मार्केट में, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी। और इसकी पैकिंग के बारे में बात कर लेते हैं तो यह 60 टैबलेट की पैकिंग में आती है, 60 गोलियाँ होती हैं इसमें। आप इसको किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से या आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आप इसे खरीद सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। यदि आपका कोई दोस्त मित्र या आप फॉरेन में रहते हैं या दोस्त मित्र को गिफ्ट करना चाहते हैं तो भी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके उपयोग के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों यह डायबिटीज मिलेटस में बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसलिए कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। यह डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, शुगर के पेशेंट के लिए यह दवाई बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में कि कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करके, कौन कौन सी औषधियों का इस्तेमाल करके इस मेडिसिन को, यानी कि डाबर के ग्लाइकोडेप टैबलेट को बनाया गया है। तो दोस्तों इसमें इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है कारावालका का, जिसको अंग्रेजी में मोमेरडिका चरंडिया बोलते हैं। और इसमें इस्तेमाल किया गया है जम्बू का, जिसे हम जामुन के नाम से भी जानते हैं, साइजीजियम क्यूमिनी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेडिसिनल टर्म में। और इसका और इस्तेमाल किया गया है आमरा का, जिसे कि मेंजीफेरा इंडिका बोला जाता है मेडिसिनल टर्म में। और मेसा सिरिंगी का इस्तेमाल किया गया है, जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा इसका मेडिसिनल नेम है। तो कुल मिलाकर इसमें अद्भुत जो है औषधियों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि डायबिटीज को यानी कि शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज की समस्या है, लंबे समय से आप शुगर से जो है जूझ रहे हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल एक बार ज़रूर करना चाहिए। या पहले से आपकी कोई इंग्लिश मेडिसिन चल रही हो, कोई भी मेडिसिन चल रही हो डायबिटीज़ की, और उसमें आपको सुधार महसूस नहीं हो रहा है, आपको फायदा नहीं लग रहा है, तो एक बार जरूर इस मेडिसिन का उपयोग करें, आपको जरूर फायदा होगा इससे। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यह एक जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसे कि डाबर नाम की कंपनी, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, डाबर कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपको कोई साइड इफेक्ट महसूस होता है इसको लेने के दौरान, तो तुरंत आप इस मेडिसिन को बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि डॉक्टर आपका कंडीशन देख के मेडिसिन को चेंज कर दे और आपको ज़्यादा फायदा मिले। और दोस्तों सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, उसके बाद ही मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूँगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में कि हमें कितनी कितनी गोलियां जो है एक दिन में लेनी चाहिए। तो दोस्तों आप जो है दो टैबलेट ले सकते हैं, सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद, दो टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ी जो है समस्या है शुगर की, तो आप एक टैबलेट भी सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद। दोस्तों आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लें, डॉक्टर आपकी जो है कंडीशन को देख करके डोज डिसाइड
करता है और जो है जिसे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ जो है मिल सकता है। इस मेडिसिन के साथ अन्य मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि आपकी कंडीशन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, इस मेडिसिन को लेने के साथ साथ हमें टेस्ट भी कराना होता है अपने ब्लड का कि जो है क्या फ़र्क पड़ा है, कुछ डाउन हुआ कि नहीं शुगर। तो दोस्तों, समय समय पर जो है हमें अपना ब्लड टेस्ट भी मॉनिटर करना होता है। तो दोस्तों, हर एक महीने जो है हमें अपने ब्लड का टेस्ट करवाना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा जो है शुगर लेवल है अप जा रहा है या डाउन जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको पहले से मेडिसिन चल रही हो या आपको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है पहले से है और आपकी मेडिसिन चल रही है, या कोई प्रेग्नेंट महिला है या बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला है, वो इस मेडिसिन को लेना चाहती हैं, तो दोस्तों डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन को लें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार के मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।